आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्लॉक जनरेटर 8284। देखो इसके मेन काम क्या है इसका, इट जनरेट क्लॉक साइग्नल फॉर 8086 8088 प्रोसेसर्स के लिए ये क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है और ये ऑपरेट करता है +5 वोल्ट सप्लाई पे और ये अवेलेबल है 18 पिन पैकेज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये या तो क्या करता है, एक क्रिस्टल का यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, फ्रीक्वेंसी सोर्स के लिए, या क्या है एक्सटर्नल सिग्नल TTL का यूज़ करता है, मतलब या तो क्रिस्टल का यूज़ करेगा या TTL एक्सटर्नल सिग्नल का यूज़ करेगा एज ए फ्रीक्वेंसी सोर्स के लिए फॉर क्लॉक को जनरेट करने के लिए ऐसा करता है ये। नेक्स्ट में क्या है, इट आल्सो जनरेट सिस्टम रीसेट आउटपुट भी जनरेट करता है जिससे हमारा सिस्टम सारा का सारा रीसेट हो जाता है इस आउटपुट से। उसके बाद क्या है, ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराता है किस किस के बीच के अंदर, लोकल रेडी सिग्नल और एक जो मतलब एक तो कोई भी लोकल सिग्नल हो गया या एक माइक्रो प्रोसेसर का जो रेडी सिग्नल होता है उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, इट इज़ कैपेबल ऑफ क्लॉक सिग्नलाइजेशन इन विद 8284। देखो क्या है, ये अपने आप में ही 8284 एक चिप है और ये क्या है अपने जैसे ही 8284 चिप दूसरों के साथ क्या है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन भी करा सकता है, ठीक है ना। तो इसका ऑपरेशन देखेंगे, इसके मेनली हमने इसका जो डायग्राम है उसको दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, एक जो क्लॉक सेक्शन एक रीसेट सेक्शन। क्लॉक सेक्शन में कि देखो क्या है, इसमें डायग्राम दिखाया गया है, एक इंटरनल ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है 8284 का। इसके अंदर देखो ये जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है रीसेट सेक्शन है, उसके बाद क्लॉक जनरेशन सेक्शन है, उसके बाद है रेडी सिंक्रोनाइजेशन सेक्शन। सबसे पहले देखो रीसेट सेक्शन के अंदर क्या है, रीसेट सेक्शन में एक रीसेट बार पिन है हमारी, उसके बाद एक स्कीम में ट्रिगर बफर लगाया गया है जिसके बाद हमने उसको डी फ्लिप फ्लॉप में डी इनपुट पे दिया गया है और डी फ्लिप फ्लॉप से क्यू बार जो आउटपुट है उसको हमने बाहर निकाल कर रीसेट से दी गई है। उसके बाद जो क्लॉक बार आउटपुट है डी फ्लिप फ्लॉप की उसको हमने इसको बाहर निकाल कर रख लिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है क्लॉक जनरेशन सेक्शन। इसके अंदर हमें क्या होता है, हमारा जो क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज़ किया है इसने क्लॉक जनरेशन के लिए एज ए फ्रीक्वेंसी सोर्स का, तो उससे कि दो इनपुट X1 और X2 से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद स्कीमेटिक बफर लगाते हैं, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद स्कीमेटिक बफर से पहले हम क्या ले लेते हैं एक कनेक्शन ले लेते हैं जो किससे कनेक्ट होता है, एंड गेट से कनेक्ट होता है, मतलब दो एंड गेट हमने पैरेलल में ले लिए, एक एंड गेट की इनपुट वहाँ से ले ली क्रिस्टल ऑसिलेटर से के आउटपुट से और एक हमने ले ली F या C बार से, मतलब फ्रीक्वेंसी या क्रिस्टल ऑसिलेटर से बार से ले ली और वहीं से एक दूसरे एंड गेट की इनपुट ले ली और एक ले ली EFIN यानी इनेबल फ्रीक्वेंसी, नहीं EFI मतलब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इनपुट ले ली दोनों एंड गेट की आउटपुट में और गेट में की जो उसके बाद डिवाइड 3 सिंक्रोनाइजेशन के ब्लॉक के अंदर गई, फिर वहाँ से आउटपुट ली हमने, वहाँ से आउटपुट हमारी नेक्स्ट सेक्शन में रेडी सिंक्रोनाइजेशन सेक्शन में आ रही है, जो जिसमें हमने क्या यूज़ किया गया है, दो एंड गेट्स का यूज़ किया गया है, दोनों में Ready 1 और Ready 2 सिग्नल लगाए गए हैं किसके साथ, AEN 1 और AEN 2 के, मतलब एड्रेस इनेबल 1 और एड्रेस इनेबल 2 के साथ Ready 1 Ready 2 इनपुट दी हमने एंड गेट को, दोनों की आउटपुट वैसे ही क्लॉक की सेक्शन की तरह ही हमने और गेट को दी है। उसके बाद और गेट के बाद क्या है, दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं डी इनपुट क्या हुआ आउटपुट में और दोनों की क्लॉक है, ये फर्स्ट वाले की क्लॉक से हमने रीसेट सेक्शन की क्लॉक से सिंक्रोनाइजेशन की है और उसके बाद इसकी आउटपुट को हमने और गेट में दिया है जिससे जो क्या है ए सिंक्रोनाइजेशन की इनपुट जिससे आ रही है और उसके बाद हमने एक एंड गेट लगाया जिसके नेक्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है और वहाँ से हमने आउटपुट निकाली है रेडी। ये तो ये था इंटरनल ब्लॉक डायग्राम 8284 का।